स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं आपकी कार्य पत्रिका 26 के बारे में, सामाजिक विज्ञान विषय और कक्षा 7 की है। आज की तिथि क्या है? 29/10/2021 है। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। इस वर्कशीट को चालू करने से पहले बच्चों बता दूँ कि लास्ट वीक के विनर का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। अगर आप भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो और करना चाहते हो तो बेटा वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और फुल वीडियो को वॉच करते हुए क्या है कमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ क्या है राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना। राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कमेंट में बताइएगा, लिंक देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया। इसमें बोला गया है मुगल साम्राज्य। प्यारे बच्चों, पिछली कार्य पत्रिका में हमने मुख्य मुगल सम्राटों और उनके कार्यकाल के दौरान मुख्य अभियानों और घटनाओं के बारे में जाना। आइए अब हम उनके प्रशासनिक नीति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। शुरुआत में मुगल ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने स्वेच्छा उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगल ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्ति करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की ईरानी थे, लेकिन अब इस समय समूह के साथ साथ उनके शासक वर्ग ईरानी, भारतीय, मुसलमानों, अफगानी, राजपूतों, मराठाओं और अन्य समूहों में सम्मिलित किए गए। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर शाह को मनसबदार भी कहलाते थे, यानी कि वो क्या है मनसबदार भी कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें मनसब यानी कि सरकारी हैसियत अथवा पद मिले थे। वह मुगल के द्वारा चलाई गई व्यवस्था श्रेणी व्यवस्था के जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व और निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जाते की संख्या का निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक थी दरबार में अभिजत की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन उतना ही अधिक होता था। 5,000 जात वाले अभिजत का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजत से ऊंचा होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदार को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार घुड़सवार करने वाले मनसबदार अपने सवारों का निरीक्षण के लिए लाते थे। वे सैनिकों के घोड़ों का दखवाता थे और सैनिक पंजीकरण कराते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिक वेतन देने के लिए धन मिलता था। आगे देखिए क्या दिया गया। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहा जाता था, जो तकरीबन इक्तों के समान होता था। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न और जागीरों पर नहीं रहते थे, ना ही उन प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीर के लिए केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। वह राजस्व उनके नौकरों के लिए एकत्रित थे, जबकि वह स्वयं देश के किसी भी अन्य भाग में सेवा करते थे। अकबर का शासन काल के दौरान, तो अकबर के शासन काल के दौरान 29वें मनसबदार थे जो 5,000 जट की पदवी थी। जागीरों की सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार से वेतन तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासन काल में 5,000 जट की पदवी मनसबदार की संख्या 79 हो गई। राजस्व मनसबदारों के वेतन से काम कम था,
मनसबदारों की संख्या अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीर की संख्याओं में कमी हो गई और फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वह इतनी जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष में औरंगजेब ने इन प्रयत्नों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इसी कारण से किसानों ने अत्यधिक मुसीबतों का सामना किया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न, क्या मनसबदार और जागीर का संबंध क्या है? तो चलिए मैं इसका उत्तर जो है आपको लिखकर दिखाता हूँ। तो बेटा पहले प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए। मनसबदार अपने वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर दो। तो प्रश्न नंबर दो बेटा क्या है, मुगलों के लिए केवल तुरानी ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? तो चलिए इसका उत्तर जो है मैं लिखकर दिखाता हूँ। तो बच्चों प्रश्न नंबर दो का उत्तर लिख लो। मुगल का साम्राज्य बड़ा होने पर मुगलों को एक विस्तृत साम्राज्य का शासन चलाने के लिए समाज के विभिन्न वर्ग के सामंजस्य बैठाने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति महत्वपूर्ण थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, इसे उत्तर के रूप में लिख लेना। यदि प्रश्न नंबर तीन क्या है बेटा, यदि जात का एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो वह सवार क्या दिखाता था? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सवार का अर्थ घुड़सवार की निश्चित संख्या से है, जिससे मनसबदारों को अपने अधिकार में रखने का अधिकार होता था। तो ये क्या है, इसका उत्तर हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो बेटा आगे आपका ये जो कार्यपत्रिका यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर बताइए, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए। धन्यवाद बच्चों।